मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन द्वारा, जिला पंचायत सीईओ स्वीप नोडल अधिकारी सागर श्री पीसी शर्मा द्वारा स्वरचित मतदाता जागरूकता गीत जय मतदाता जय जय मतदाता की पोस्टर सीडी का आज विमोचन कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण के अंतर्गत छिंदवाड़ा और जबलपुर जिले में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग एवं 85 व उससे अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा का विकल्प दिया गया है। इसी क्रम में आज टीकमगढ़ खजुराहो और सतना संसदीय क्षेत्र में चिन्हित दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं ने अपने घर पर पोस्टल बैलेट से मतदान कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के नोडल अधिकारियों की बैठक ली तथा स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विकास मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिले में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दमोह जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुधीर कोचर ने द्वार द्वार दस्तक अभियान के तहत मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण कर उन्हें मतदान करने के लिए आमंत्रित किया। नीमच जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने डाइट परिसर में लोकतंत्र कक्ष का उद्घाटन किया, साथ ही उपस्थित जनों को नैतिक मतदान करने की शपथ भी दिलाई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत धार जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पीएन मिश्रा ने आज पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्टर अधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया।